मैं जा रही थी आराम करा, लेकिन लवी ने बोला नहीं मम्मी चलो थोड़ा सा शॉर्ट बना लेते हैं। तो हम जा रहे थे इसमें शॉर्ट बनाने के लिए। कुछ लॉक लॉक कौन खोलेगा लवी? हाँ तो ये चाबी दे। हाँ यहाँ पर कैसा लग रहा है फेस, थकावट लग रहा है इसके ऊपर। टेरेस पे आ गए और लॉक खोलने में मुझे पसीने आ गए। यहाँ का व्यू फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। माउंटेन दिख रहा है सामने, तो नहीं दिखेगा, जूम करना पड़ेगा। ये दिख रहा है, ये माउंटेन है और वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और ये बाकी आसपास का व्यू है और ये यहाँ से ऐसे दिखता है। और यहाँ पे आयुष्मान भी आ चुका है पढ़ाई छोड़ के, उसको भी ऐसा लगा मैं भी जाके आता हूँ टेरेस पे। क्या है, कुछ है क्या? और ये सामने है पैगोडा और ये आ रही है पानी में स्टीमर। और ये यहाँ पर लवली भी है वहाँ नहीं जाऊँगी, यहीं से वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पर कौवा बैठा हुआ, ए कौवे खाना खाया क्या? यहाँ पे रखा था, खाया भाग गया। मेरी संग बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके गाना याद आ रहा है। यही गाने पे शॉर्ट बना लूँ क्या? वैसे मुझे कुछ करने तो आता नहीं है, बच्चे लोग बस चिल्लाते रहते हैं, मुझे सिखाते बहुत है बेचारे लोग, लेकिन उससे होता नहीं है। ये है नीचे का व्यू, बहुत बार दिखाया है फिर से देख लीजिए, बहुत बार नहीं दो तीन बार दिखाया है फिर से देख लीजिए, ऐसा लग रहा है। और वहाँ पर लवली बना रही वीडियो कुछ। ऐसा बादल तो छाए हुए, ऐसा लग नहीं रहा है कि आज चंदा मामा के दर्शन भी होंगे किसी को, तो देखते हैं क्या होता है। भगवान जी क्या हम लोग आज ऐसे वेट करते रह जाएंगे? तो साल से मैं नीचे रहती थी तो मैं सोच रही थी बार बार, एक मिनट, मैं नीचे थी और डीके रूम में, तो मैं सोचती थी कि कहाँ से देखूँ चंद्रमा, कहाँ से दिखेंगे, कहाँ से दिखे। उधर ग्राउंड था जहाँ पे दुर्गा माता बैठती है, वहाँ पे जाके हम लोग चंद्रमा देख के तो पूजा करते थे, अर्घ वगैरह देते थे। अब यहाँ पर चंद्रमा दिखेंगे, मुझे दिख सकते हैं, पर भगवान जी ने अत्याचार करके रखा है। तो भगवान जी को क्या इतना बादल घेरने की ज़रूरत है, थोड़ा धूप कर दो, धूप खिला दो ताकि रात का टेंशन ना रहे। ऐसे बारिश जैसा लग रहा है पर बारिश होगी नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। अरे बापू, मैंने बोला बारिश होगी नहीं तो बादल गरजने लगे, तड़तड़ाने लगे भगवान। ठीक है बरस लो, अब तो मैं क्या बोल सकती हूँ। अभी बारिश नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी। हाँ। गर्मी तो बहुत लग रही है, लग रहा है बरसेंगे। दस पर से तो 30 मिनट बाद तो दरवाजा खुला छोड़ के चला आया जा ना घर पे, पढ़ाई कर ना। बाबरे आ गए हैं, डर लगता है। फिर भी जाना पड़ेगा नीचे क्योंकि मैं थकी तो बहुत हूँ, थक गई हूँ, अभी कुछ कर नहीं पाऊँगी लगता है। अभी वो आइए ये शॉर्ट बनवा लो, शॉर्ट बनवा लो और खुद जाके उधर स्नैपचैट के लिए वीडियो बना रही है। बनाना है, करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है तो चलो नीचे, देखो कड़कड़ा रहे हैं भगवान जी। चलो बना, रात का माहौल ख़राब कर देंगे लग रहा है। चलो चलते हैं। तो अभी हमारे शॉर्ट्स बन गए हैं, आप लोग अभी देखने वाले हैं कुछ मेरा अतरंगीपना। मुझे कुछ भी आता नहीं, बच्चे लोग सिखाते हैं थोड़ा बहुत। इसको बंद कर दो बेटू, ताला मत मारो, ऐसे रखो, शाम को आना है। शाम भागने की बड़ी भारी लगती है लेकिन इधर डर रहा है घर पे जाने से। क्या वो कोई आया है क्या घर में? हाँ हो सकता है। तो अभी ऊपर से नीचे आ चुकी हूँ, मैंने इयर रिंग्स भी निकाल दिए हैं। हल्का लगता है ना कान में से, इसे कुछ निकाल दो तो। और थोड़ा सा लेटूंगी, सोना तो है नहीं, सिर्फ लेटूंगी। नींद ऐसा लग रहा है ना मुझे आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में तैयारी भी करनी है मुझे, थोड़ी देर में नहीं बिटा काफ़ी टाइम है तैयारी करने का। आयुष्मान ने टी वी चालू कर दिया इसलिए आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा बंद नहीं किया मैंने, तो मैं आराम कर रहती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। कितनी थकावट लग रही है मेरे फेस के ऊपर, पेट में तो कुछ नहीं, बस प्यास लगी है। शाम तक देखते क्या होता है। बादल तो ऐसे छा गए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि चंद्रमा के दर्शन होंगे हम लोगों को। फिर भी वेट करेंगे, क्या करेंगे, बस आराम करने के बाद। लेट आएगा ना चंद्रमा? लेट आएगा तो आएगा, उधर बादल कितने छाए हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पूजा तो मैंने सुबह ही कर लिया था, इतने टाइम अभी सिर्फ आरती के लिए बुक देख रही हूँ मैं। फिर पूरी का भोग भी लगा दिया है माता रानी को, अब सिर्फ चंदा मामा का इंतज़ार है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, इसका फुल लुक आपको बाद में वहाँ मिरर में दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ पे माता रानी के साथ में बैठी हुई हूँ, तो देखिए अभी माता रानी भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, बस चंदा मामा का इंतज़ार है। चंदा मामा कब आएंगे? मैंने किचन में ही रखा है, माता रानी को बिठाया है क्योंकि हॉल में सब लोग खाना वाना खाते रहते हैं,
और आते जाते रहते हैं तो कोई भी टच कर सकता है। यहाँ पे रहेंगे तो सिर्फ मैं टच करूँगी और कोई नहीं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं चंदा मामा आए कि नहीं आए। कितना पौने 9 हो गए, चंदा मामा अभी तक आए नहीं है, बादल की वजह से दिख भी नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं, सब कुछ हो गया, पूजा भी हो गया और मैं रेडी भी हो गई। कैसी लग रही है आप लोगों को जरा मुझे कमेंट करके बताइए। तो यार चंदा मामा अभी तक, तो ये है इसका लुक, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे और मैंने यहाँ पे अपना सब सामान रख भी दिया है। पर यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है इसलिए इतना दिख नहीं रहा है अच्छे से। तो अभी पहले चंदा मामा आएंगे, फिर लाइट का इंतज़ाम होगा। आ जाइए फ़ोन से फोकस मारा जाएगा। और अभी चंदा मामा निकलने की तैयारी में हो चुके हैं। माउंटेन के पीछे हल्का सा लालिमा दिख रहा है, मतलब लालिमा भी नहीं दिख रहा है पूरी तरह से, सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि अभी उजाला जैसा हुआ है, हल्का हल्का, पूरा नहीं। तो मैं यहीं पे बैठ के वेट करूंगी, शायद अभी आ जाएंगे। 9:30 बज गए, 9:45 बजे तक तो निकल ही आएंगे। और आप लोग कैसे कैसे मना रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। यहाँ से दिख रहा है ये पैगोड़ा, कभी जाऊंगी तो आप लोगों को सबको दर्शन कराऊंगी, देखना। वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, शांति लगती है बहुत मन को। थोड़ा स्माइल तो करो गाइस। सिर्फ आज की रात 12 बजने के बाद देखते क्या होता है। लग रहा है पहले कुछ खाती नहीं आ रहा। आप गिफ्ट नहीं दोगे आंटी को? हाँ लाए ना, इसके इसके लिए लाए हैं, ब्लैक डोंट लाए इसके लिए, स्पेशल काजू कतरी लाना पड़ा इसके लिए। हर साल मेरे लिए काजू कतरी लाते रहते, मैं तो उड़ती नहीं हूँ। मम्मी अकेले अकेले पी रही हूँ क्या, क्या कर रही हो? अच्छा ओ माय गॉड, ओ माय हमेशा झूठ बोलते रहते हो। आप कर लो पहले पूरा अपना, पहले कर लो। नहीं नहीं आप पूरा कर लो। आगे से करना।
आराम से। जान जाना गई। हो गया बच्चा उपास है, जल्दी कर। कैसा अच्छा लगेगा मुझे कुछ भी। चलो चलो पैर पड़ लो मम्मी पापा का। मजा आ गया मेरी बच्ची को। खुश हो गई बच्ची। काजू कतली बोला था आज, नहीं तो काजू कतली लवली ने काजू कतली बोला था, ताजा काजू कतली। उपास खाना उपास है, भूखी थी उसने कुछ भी मुझसे निकल रहा है मेरे। थोड़ा सा खा लिया है तो देख काजू कतली खाया है और थोड़ा सा पानी पिया तो ऐसा लग रहा है क्या जन्म जान आ गया। जल्दी पीऊँ पापा पिलाएंगे आपने पिलाऊंगी मैं भी पिलाऊंगी। पानी में पिला देती, तुमने खिलाया ना तो पानी में पिला देती हूँ। पानी पीने नहीं देते चैन से छीनते रहते हैं। मैं जोर से मांगते रहती हूँ भूखो लगा पानी तो छोड़ो मत। प्रसाद है ना, एक कैप ले लो। ले बेटा आयुष्मान आकर 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 घूम जाएगा। काटो काटो काटो। तो ऊपर से पूजा करके हम लोग आ गए हैं और खाना वाना खा लिया है तो भी हालत एकदम ख़राब हो रही है। दिन भर कुछ खाया नहीं तो इतना नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ खाया है ना तब जाके ऐसा लग रहा है कि फट से सो जाऊँ। आँख में नींद भर गई एकदम, है ना। वैसे थकावट एकदम, मतलब दिन भर कुछ काम तो नहीं किया लेकिन थकावट अब लग रही है। ऐसा लग रहा है जाके सो जाऊँ। आँख बंद हुए जा रही है और सर फट रहा है। सुबह से चाय नहीं पिया था ना, अभी भी नहीं पिया है क्योंकि कल ही पीऊँगी डायरेक्ट। एकदम सर टन 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 कर रहा है। तो हमारा करवा चौथ तो हो चुका है और आप लोगों का कैसा बीता है ये मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।